जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कहते हैं कि देवताओं का एक दिन, दिन और रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। छह महीने की रात्रि और छह महीने का दिन देवता का एक दिन। और जब देवता हजारों साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी चारों युग कई बार गुजार लेते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। अब उस एक पल में कितने युग गुजर गए, कितने ब्रह्मा आए और गए, और उसमें कितने दक्ष बने और गए, और शिव जी को क्या पता। अब बोले कि प्रणाम नहीं किया, चींटियों का झुंड जा रहा था, फौज भी जाती है चींटी की। अब उसमें से एक चींटी बोलती है, अरे मैं चींटी रानी हूं, मैं हाथी, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, एक लात मारूंगा। अब चींटी के लात मारने से हाथी को क्या होता है। शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष नाराज हो गए और बदला लेने के लिए यज्ञ किया कि सभी देवताओं को बुलाऊंगा लेकिन इससे नहीं बुलाऊंगा। और इसी में लफड़ा शुरू हुआ। एक ने आपकी प्रशंसा नहीं की, आप दुखी हो गए। संसार में हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। संसार का मतलब ही है अधूरा। पूरा ही हो जाता तो ये मरणशील संसार क्यों रहता। जहां पूर्ण है ही नहीं कुछ, उसी पूर्णता को पाने के लिए तो साधना है, उसी अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए तो आध्यात्मिक यात्रा है। बाकी तो यहां सब अपूर्ण है, सब नाशवान है और सब टूटने वाला है। जिससे भी हम मोह लगाए सब टूटने वाला है, और हर अरमान यहां पूरे होते हैं। तो जो है उसमें तालमेल बिठाना चाहिए खुशी के लिए। जो है उसमें आप एडजस्ट करके चलो तभी खुश रह सकते हैं। तो एक ने प्रशंसा नहीं की, अरे 99 ने तो की। जो अति बुद्धिवादी होते हैं वो भविष्य की चिंता करते हैं और भूत के दुखद घटनाओं को याद करके दुखी रहते हैं, वर्तमान का लाभ कभी नहीं उठा पाते। और बुद्धिमान विवेकशील वर्तमान में जीते हैं, भविष्य देखा जाएगा, भूत तो बीत चुका। इसलिए तो किसी ने कहा, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज हिस्ट्री बट प्रेजेंट इज गिफ्ट। कि जो बीत गया वो इतिहास हो गया, आने वाला भी रहस्य है, पता नहीं क्या होगा। और जो है हाथ में प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट भी और प्रेजेंट भी, तो गिफ्ट है आपके लिए। तो इसका सदुपयोग करिए अभी का। और ये वर्तमान हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला कल भविष्य है और बीता हुआ कल भूत था, लेकिन ये भी बड़ी नादानी होगी। आने वाला कल भविष्य नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, आने वाला कल भविष्य नहीं, आने वाला पल भविष्य है। बीता हुआ कल भूत नहीं, बीता हुआ पल भूत है। हम पूरे दिन को वर्तमान मान लेते हैं, कहां पूरे दिन को वर्तमान मानते हैं कि आज का दिन। हाथ में जितना पल है, जितना क्षण है, जो मोमेंट है, वो वर्तमान है। अभी आने वाला पल भी आपके लिए भविष्य ही है, वो मिस्ट्री ही है क्या लेके आएगा। और जो बीत गया पल वो भूत हो चुका है। तो एक घर में एक सेठ जी आए, महात्मा जी आए। सेठ जी क्या, गुरुजी जब पहुंचे सेठानी जी बहुत खुश थी, जैसे लोग खुश है। पूछा गुरुजी ने कि और घर में सब ठीक है। बोले एकदम सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है। बोले हाँ 50 लाख का फायदा हुआ है इस महीने। बोले अच्छी बात है, 50 लाख का हुआ तो। तब तक पति देव मुंह लटकाए हुए। बोले क्या बात है। बोले क्या बताऊं गुरुदेव, बड़ा मंदा चल रहा है कोरोना के बाद से। अभी तक पटरी पे गाड़ी आई नहीं। क्या हुआ। बोले 30 लाख का घाटा हुआ है। पत्नी का बिजनेस आपका बिजनेस अलग अलग है। बोले नहीं एक ही है। तो वो तो बोल रही 50 लाख का फायदा हुआ।
मैंने सोचा था 80 लाख का होगा, सिर्फ 50 लाख का फायदा हुआ, 30 लाख का घाटा हो गया ना। मैंने सोचा था कि 80 लाख का होगा, अब मैंने सोचा था 100 करोड़ का होगा, 1 ही करोड़ फायदा हुआ। सोच लिए उनका पैसा चला गया, आया नहीं तो ये बुद्धिमान लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत काम है, बहुत टेंशन है, क्यों? सोचा था इतना होगा, नहीं हुआ। अरे जो हो जाए वो आपका है, केवल सोचने वाला आपका कैसे? ऐसे तो कोई भिखारी भी सोच ले, मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ा राजा बन गया इसलिए रो रहा हूं, नहीं बन पाया। सोच लो तो बुद्धिमान आदमी दुखी रहता है। इसी तरह से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।